कुछ टाइम पहले मैंने महादेव जी की ड्राइंग बनाई थी, जिसकी पेपर शीट का साइज़ A4 रखा था मैंने। एंड इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने बहुत ही छोटी छोटी पेंसिल्स का यूज़ किया था, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं सेम पिक्चर को ड्रॉ करूँगा, जिसको ड्रॉ करने के लिए मैं नॉर्मल आर्ट लाइन की पेंसिल्स का यूज़ करूँगा, जिनका यूज़ मैं हमेशा करता हूँ ड्रॉ करने के लिए। बिकॉज इस ड्रॉइंग के लिए हमें पहले वाली ड्रॉइंग से ज़्यादा स्मूथ शेडिंग रिजल्ट चाहिए। एंड ये कमीशन आर्टवर्क होने वाला है, जिसका साइज़ A3 रखा है मैंने। सो जिन स्टेप्स का यूज़ करके हमने पहले वाली भोलेनाथ जी की ड्राइंग को ड्रॉ किया था, सेम स्टेप्स के साथ इस वाली ड्राइंग को भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर आपको भोलेनाथ जी की पहले वाली ड्राइंग की वीडियो देखनी है, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, अगर आप भी कमीशन आर्टवर्क ड्रॉ करते हो तो। बिकॉज मैंने इस वीडियो में मैं कैसे अपने कमीशन आर्टवर्क को ड्रॉ करता हूँ, कैसे उनकी ब्रांडिंग करता हूँ, कैसे पैकेजिंग करता हूँ, सारी डिटेल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो कंप्लीट देखना। अभी आप देख सकते हो मैं शेडिंग की फर्स्ट लेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, और बिकॉज ये ड्रॉइंग बहुत ही डार्क है, सो इसके लिए मैं शेडिंग की फर्स्ट लेयर के लिए 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड पिक्चर में लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं नॉर्मली शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। अपने आर्टवर्क के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए शेडिंग को अच्छे से ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो शेडिंग को हमें आराम से ड्रॉ करना चाहिए। ड्राइंग में जहाँ पर भी लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ हैं, मैं सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में शेडिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके अलावा जहाँ पर भी बिल्कुल वाइट एरियाज हैं, वहाँ पर मैं बिल्कुल भी शेडिंग ड्रॉ नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पर हमें बिल्कुल वाइट इफेक्ट्स चाहिए। अभी आप वीडियो में देख सकते हो, फेस पर जहाँ पर भी एक्सट्रीमली डार्क एरियाज हैं, उनके लिए मैं 8B पेंसिल से शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। फेस पर एक्सट्रीमली डार्क एरियाज के लिए हम 10B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पिक्चर के अकॉर्डिंग 8B पेंसिल काफ़ी डार्क पेंसिल है डार्क एरियाज के लिए। और इसके अलावा इस ड्राइंग का बैकग्राउंड भी बिल्कुल डार्क होने वाला है, डीप ब्लैक होने वाला है, और उसको ड्रॉ करने के लिए हम 10B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इस ड्राइंग के डीप ब्लैक बैकग्राउंड को ड्रॉ करने के लिए हम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस ड्राइंग के लिए ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे, बिकॉज मेरे पास अभी चारकोल पेंसिल अवेलेबल नहीं है। एंड इस ड्राइंग को मुझे जल्द ही कंप्लीट ड्रॉ करके क्लाइंट तक पोस्ट करना है, सो मेरे पास अभी जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, मैं सिर्फ उन्हीं टूल्स का यूज़ करके इसे कंप्लीट ड्रॉ करूँगा। और मेरे पास सारे ड्राइंग टूल्स अवेलेबल हैं इस ड्राइंग को कंप्लीट ड्रॉ करने के लिए। और नॉर्मली किसी भी ड्राइंग को कंप्लीट ड्रॉ करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ टूल्स का यूज़ नहीं करता, बिकॉज बढ़िया ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा टूल्स का होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है बढ़िया ड्राइंग स्किल्स का होना, ड्राइंग प्रैक्टिस का होना, एंड ड्राइंग के लिए आप में पेशेंस का होना। सो ये तो एक कमीशन आर्टवर्क है, एंड कमीशन आर्टवर्क को मैं कम्प्लीटली परफेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। अभी मैंने ड्राइंग में शेडिंग को कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है, जिसको अभी हमें ब्लेंड करना है। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं सॉफ्ट मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, हमारी ड्राइंग स्मूथ होती जा रही है। सो हमें ब्रश की हेल्प से कंप्लीट ड्राइंग पर ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब हम ग्रेफाइट पेंसिल से शेडिंग ड्रॉ करते हैं, तो जो ग्रेफाइट पाउडर होता है वो ब्लेंड करने से वहीं पर फिक्स हो जाता है, और उसके फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी ड्राइंग पर ब्लेंडिंग कंप्लीट होती है, मैं अभी फिर से शेडिंग ड्रॉ कर रहा हूँ हमारी ड्राइंग पर। और अभी आप देख सकते हो मैंने जो पेंसिल यूज़ की है वो पहले वाली से ज़्यादा डार्क है, और ये वाली 6B पेंसिल है, बिकॉज पिक्चर में डार्कनेस है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड जहाँ पर भी फेस पर एक्सट्रीमली डार्क एरियाज हैं, यानी जहाँ पर हमने 8B पेंसिल से शेडिंग ड्रॉ किया था, उन एरियाज में मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ फिर से शेडिंग ड्रॉ करने के लिए। अभी आप वीडियो में देख सकते हो मैं अपने हैंड के सपोर्ट के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमने जो भी शेडिंग ड्रॉ की है वो ख़राब ना हो। तो कभी भी शेडिंग ड्रॉ करें तो अपने हैंड के सपोर्ट के लिए हमेशा टिश्यू पेपर का यूज़ करें, या फिर किसी भी पेपर शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी शेडिंग ख़राब ना हो। बिकॉज शेडिंग ड्रॉ करते टाइम अपने हैंड सपोर्ट के लिए जब हम किसी भी टिश्यू पेपर या पेपर शीट का यूज़ नहीं करते हैं, तो जो भी हम शेडिंग ड्रॉ करते हैं वो ब्लेंड करने से पहले ही पूरा फैल जाता है, और जो हमारे ब्लेंडिंग के रिजल्ट्स हैं उतने कुछ खास नहीं मिलते, और कभी कभी तो पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाती है। और ये तो वैसे भी बिल्कुल डार्क शेडिंग है, सो इसमें तो शेडिंग के फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अभी आप देख सकते हो वीडियो में ब्लेंडिंग करने के बाद मैं थोड़े बहुत हाइलाइट्स हैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ, और हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। और हमारी ड्राइंग भी लगभग कम्प्लीट होने वाली है, बस अभी बैकग्राउंड ही ड्रॉ करना है। और अभी आप देख सकते हो हमारी ड्राइंग हो गई कंप्लीट, और अभी हम इस पर अपने चैनल की ब्रांडिंग करेंगे। सो इसके लिए मैं सिल्वर पेन का यूज़ कर रहा हूँ, और सिल्वर पेन से आप देख सकते हो कि मैं पहले तो YT लोगो ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अपने कमीशन आर्टवर्क में YT लोगो ड्रॉ करने के लिए ज़्यादातर रेड पेन का यूज़ करता हूँ।
बट इस वाली ड्राइंग के लिए मैं सिल्वर पेन का यूज़ कर रहा हूँ। और अभी हम अपने चैनल का नेम ड्रॉ करेंगे और हमारे चैनल का नेम है मनीष भालोठिया आर्ट्स। एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। इस ड्राइंग का कंप्लीट बैकग्राउंड डीप ब्लैक है, सो इसके लिए मैं सिल्वर पेन का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मैं अपने चैनल ब्रांडिंग किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। एंड अभी हम अपनी ड्राइंग को करेंगे प्रोटेक्ट फिक्सेटिव स्प्रे के यूज़ से ताकि ग्रेफाइट फैले ना। सो उससे पहले हमें इसे थोड़ा सेक कर लेना है। एंड वैसे तो फिक्सेटिव का यूज़ आउटडोर में करना चाहिए, बट मैं इसका रूम में यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज बाहर बहुत धूप है और हमें अपने कंप्लीट ड्राइंग पर इसे अच्छे से स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद हमें अपनी ड्राइंग को ऐसे ही छोड़ देना है सूखने के लिए। एंड रूम में फिक्सेटिव का यूज़ करते टाइम अपने फ़ैन को हमेशा ऑफ रखें। फिक्सेटिव के यूज़ के बाद अभी हमें अपनी ड्राइंग को पैक करना है। एंड पैक करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट सीलिंग बैग का यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम पन्नी बोलते हैं। एंड ये आपको किसी भी क्लॉथ के शॉप पे इजीली मिल जाएगी। एंड हमें इस पन्नी में अपनी ड्राइंग को बहुत ही केयरफुली पैक कर लेना है। इस ट्रांसपेरेंट सीलिंग बैग के यूज़ से हमारी ड्राइंग जो है वो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाती है। और अगर आपके पास बहुत सारी ड्राइंग्स हैं और आप उनको लॉन्ग टाइम तक सेफ रखना चाहते हो तो आप भी उनको इस तरह से रख सकते हो। और अभी हमें इसकी टेप को निकाल देना है और इसको यहीं पर फिक्स कर देना है। बट उससे पहले इसके अंदर की सारी एयर को हमें बाहर निकाल देना है। एंड कुछ इस तरह से हमें इस पन्नी को यहीं पर फिक्स कर देना है। और आप देख सकते हो कि इस ट्रांसपेरेंट सीलिंग बैग का साइज बिल्कुल A3 पर फिट हुआ है। सो बहुत ही अच्छे से हमारी ड्राइंग पैक हो पाई है। एंड मैं अपने सारे कमीशन आर्टवर्क को इसी तरह से पैक करता हूँ। एंड अभी मैं अपनी ड्राइंग को इस ब्लू कलर के एनवलप में रखने वाला हूँ जो कि A3 साइज की पेपर शीट्स के लिए है। सो हमें अपनी ड्राइंग को बहुत ही केयरफुली इस एनवलप में रखना है। और ड्राइंग को एनवलप में रखने के बाद एनवलप को हमें किसी भी टेप से होल्ड कर देना है। मैं होल्ड करने के लिए यूज़ करता हूँ ट्रांसपेरेंट टेप का, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और अभी हमारी ड्राइंग बिल्कुल अच्छे से पैक हो गई है और मुझे इस ड्राइंग को पोस्ट करना है। सो इस ड्राइंग को बाहर से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी ड्राइंग में कोई भी डैमेज ना हो। एंड मैं अपनी ड्राइंग को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ कार्डबोर्ड का, जिसे हम गत्ता बोलते हैं। सो ये तो थोड़ा छोटा कार्डबोर्ड है, हमें अपने एनवलप से चारों तरफ से थोड़े थोड़े बड़े कार्डबोर्ड पीस लेने हैं। और हमें इस तरह के दो कार्डबोर्ड पीस लेने हैं जिनको हमें अपने एनवलप के दोनों तरफ रखना है, एक आगे और एक पीछे। और इन दोनों कार्डबोर्ड के बीच अपने एनवलप को रख के किसी भी टेप की हेल्प से यहीं पर होल्ड कर देना है। इस तरह से पैक करके हम अपनी ड्राइंग को कहीं पर भी सेफली पोस्ट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से मैं अपने कमीशन आर्टवर्क को ड्रॉ करता हूँ, ब्रांडिंग करता हूँ, पैक करता हूँ एंड पोस्ट कर देता हूँ। सो कैसी लगी आपको ये ड्राइंग, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।